हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर्स में बताया कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, है ना, इस पर मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट कैसे होता है, और अल्टीमेटली इफ यू टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है, स्पर्म का बनना और एग का बनना। और आप ये भी जानते हैं कि स्पर्म और एग की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, खुद का अगर पूछा जाए कि स्पर्म का सर्वाइवल फीमेल ट्रैक में कितना है, नॉट मोर देन 3 or 4 days, है ना, मोस्टली 3 days ही लिखा जाता है बुक्स में। और एग की अपनी लाइफ, अगर वो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हो गया आफ्टर ओवुलेशन, तो उसकी लाइफ कितनी है, नॉट मोर देन 6 to 24 hours। मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्पर्म का और एग का बहुत समय के लिए नहीं होता, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और वो जायगोट बन जाए, तो जायगोट की लाइफ तो आप जानते हैं, वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो इंडिविजुअली कहते हैं स्पर्म की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है, ना एग की ज्यादा लाइफ है, बट अगर वो फर्टिलाइज हो गया और वो जायगोट में कन्वर्ट हो गया, तो जायगोट फर्दर आप जानते हैं एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, है ना। तो ये बताओ, जैसे अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल देखो, यहां पे तीन टर्म्स याद रखिएगा। एक तो टर्म यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन, एक दूसरा टर्म देखो आप यूज करते हैं अक्सर रूप में, एक टर्म आता है सिंगेमी, और एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं एम्फी मिक्सिस, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंगेमी क्या है, और एम्फीमिक्सिस क्या है, अक्सर ये वर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और काफी नजदीक के वर्ड्स हैं एक्चुअली ये। तो ये बता दूं मैं आपको, सिंपली गैमिट्स का मिलना, स्पर्म और एग मिल रहा है ना, सिंपली वो व्हाट वी से, यूनियन ऑफ गैमिट्स इज द पार्ट ऑफ सिंगेमी, और जिस प्रोसेस से ये गैमिट्स मिल रहे होते हैं वो पूरा इवेंट फर्टिलाइजेशन का होता है। और फाइनली होता क्या है, जो हैप्लॉइड स्पर्म का न्यूक्लियाई है वो हैप्लॉइड ओवा के न्यूक्लियाई से मिलता है टू मेक अ डिप्लॉइड जायगोट। तो जो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, मेल प्रो न्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है, वो है एम्फी मिक्सिस। तो याद रखिएगा, गैमिट्स का मिलना सिंगेमी है, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का मिलना ये एम्फीमिक्सिस है, और इस पूरे इवेंट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इवेंट हमें सिंगेमी का नहीं पढ़ना, इवेंट हमें एम्फीमिक्सिस का नहीं पढ़ना, हम इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो कैसे फीमेल ट्रैक में आने के बाद वो फाइनली कैसे एग को फर्टिलाइज करता है। तो देखो, तो कई सारे इवेंट्स हैं एक्चुअली, अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो इवेंट है फर्टिलाइजेशन का, आप जानते हो, एक टर्म यूज करते हैं हम, इजैकुलेशन, एंड द टर्म कॉल्ड इंसेमिनेशन। मतलब मेल ड्यूरिंग कोइटस, you know, during copulation, an adult male release approximately 200 to 300 million spermatozoa in the female genital tract, वजाइना के पार्ट में, इतने नंबर में स्पर्म को इजैकुलेट किया जाता है, इसी को इंसेमिनेशन भी कहते हैं एक्चुअली। इजैकुलेशन इज सिंपली अ टर्म वी यूज द रिलीज ऑफ स्पर्म, द रिलीज ऑफ सीमेन इनफैक्ट आउटसाइड द ह्यूमन्स बॉडी, और अगर ये फीमेल ट्रैक में चला गया नेचुरली या आर्टिफिशियली, तो ये टर्म क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, दैट्स क्लियर।
और आप जानते हो कि ये जो इसके साथ फ्लूइड भी एंटर करता है जिसको सेमेन आप सेमेनल प्लाज्मा कहते हैं, और उस प्लाज्मा में कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और वो केमिकल कंपाउंड स्पर्म को मोटाइल रखने के लिए, स्पर्म को वायबल रखने के लिए काफी जरूरी होता है ना? तो फर्स्ट इवेंट तो क्या हुआ, द टर्म कॉल इजैकुलेशन, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ इंसेमिनेशन ओनली। और इंसेमिनेट करने के बाद इतने नंबर में स्पर्म अलोंग विथ सेमाइनल प्लाज्मा ये ट्रांसफर हुआ फीमेल ट्रैक में, वजाइनल ट्यूब में। और आप जानते हो कि जो वजाइना का जो पार्ट होता है, सपोज करो ये वजाइनल ट्यूब है एक्चुअली, और ये वजाइनल ऑर्फिस है, यहां से सीमेन ट्रांसफर हुआ, और जो वजाइनल फ्लूइड होता है एक्चुअली, वजाइनल फ्लूइड जो होता है यहां पर, ये फ्लूइड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्म को एक्टिव करने के लिए। या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्पर्म का जो सेमिनल प्लाज्मा जो रिलीज हुआ मेल्स के बॉडी से, उसके केमिकल नेचर में चेंज आता है ना, और वो चेंज जरूरी होता है स्पर्म को ज्यादा मोटाइल करने के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा कि वंस द इजैकुलेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक, एक दूसरा इवेंट है, देखो यहां पर इसे कहते हैं कैपेसिटेशन, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस। कैपेसिटेशन क्या है एक्चुअली, कैपेसिटेशन एक बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंज है जिसका बताओ स्पर्मेटोजोआ का जो फीमेल वजाइना में स्टार्ट हो जाता है, और ये इवन फेलोपियन ट्यूब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा मानते हैं कि 5 to 6 hours का ये पूरा ड्यूरेशन है जिसमें स्पर्म का एक बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंज है, और उसमें वजाइनल फ्लूइड है दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन द सेमेन इन द स्पर्म, बेसिकली कैपेसिटेशन इंक्लूड्स बायोकेमिकल एंड फंक्शनल changes in spermatozoa. इससे क्या होता है, देखो जो spermatozoa है ठीक होता है, और it also changes acrosomal activity, जो स्पर्म को बाद में हेल्प करेगा एक को पेनिट्रेट करने के लिए, है ना। क्या बोल रहा हूं कि जोआ का जो मूवमेंट है वो ज्यादा बढ़िया हो जाता है, और उसके जो एक्रोजोम्स होते हैं स्पर्म के अंदर, उसके अंदर का भी चेंज आता है जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी एक्रोजोम्स का, जिसमें एंजाइम बढ़ा हुआ होता है, और दैट वेरी मच हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ एग मेम्ब्रेन जो फेलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होगा। तो यहां देखिए पूछा जाए क्या किस तरह का चेंज है स्पर्म में, तो अगर मान लो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हमने, तो जो इंट्रा सेलुलर चेंजेस है स्पर्म में वो क्या क्या होता है आपको पता है, यहां एक्रोसोम्स होता है, यहां पर यह न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इसको मेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। तो किस तरह का चेंज आता है देखते, तो कहते हैं चेंजेस जो होगा ये चेंज इन द सरफेस ग्लाइको प्रोटीन्स, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लिपिड जो स्पर्म के सरफेस पे अवेलेबल है एक्चुअली, और जो स्पर्म का इंट्रा सेलुलर पीएच होता है ये इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस। इवन कहते हैं कि जो स्पर्म का जो इंट्रा सेलुलर फ्लक्स है कैल्शियम का, कैल्शियम फ्लक्स
ये भी इंक्रीज करता है। और जो एक कंपाउंड है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन फॉस्फेट, इसका भी क्या होता है? तो ये सारा चेंज स्पर्मेटोजोआ के अंदर हुआ कि जो इंट्रासेलुलर चेंजेस हैं, सेल साइटोप्लाज्मिक पार्ट में क्या क्या चेंज आ रहा है देखिए। तो कुछ तो सरफेस का चेंज आता है, जैसे कुछ यहां रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं स्पर्म के सरफेस पे, इसका अनमास्किंग हो जाता है, अनमास्किंग ऑफ रिसेप्टर्स कहते हैं। जो स्पर्म के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है या फिर जो लिपिड का पार्ट होता है, इन सब में चेंज आता है। जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो भी इंक्रीज कर गया, साइटोसोलिक जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो भी इंक्रीज करता है ना, सीएमडी का लेवल भी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। और ये सब स्पर्म में एक विग्रेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है ना, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्पर्म आसानी से अब पहुंच सकता है जहां बताओ फिलोपियन ट्यूब तक फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो सारा चेंज आप देख पा रहे हो, इस चेंज को क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन याद रखिएगा इसका जो टाइम है ह्यूमंस में ये 5 to 6 hours का होता है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि अगर स्पर्म को डायरेक्टली यूट्राइन पार्ट में डाल दिया जाए और वो कैपेसिटेट अगर ना हो, तो जो जिस का कैपेसिटी हुआ ऐसे स्पर्म एक को फर्टिलाइज करने के लायक नहीं बन पाते। कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्म कैपेसिटेट ना करे, तो बिना कैपेसिटेशन का जो फर्टिलाइजेशन जो एबिलिटी है स्पर्म का वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कैपेसिटेशन एक बहुत जरूरी इवेंट है जो फीमेल ट्रैक में वजाइनल ट्यूब में स्टार्ट हुआ और ये चलता रहता है इवन फेलोपियन ट्यूब तक, इससे पहले कि वो एक को क्या करे फर्टिलाइज करे। दैट्स फाइन, तो ये पूरा टर्म याद रखिएगा। तो पहला तो हो गया इजैकुलेशन, दूसरा क्या हो गया बताओ? कैपेसिटेशन कहते हैं। और जो इसका अब तीसरा पार्ट है देखिए ऐसे, देखिए जो इसका जो तीसरा इवेंट है वो इवेंट है जब स्पर्म कैपेसिटेट हो गया तो उसमें क्या स्टार्ट होगा? मूवमेंट। तो देखो, तो हम थर्ड अगर बताऊं मैं आपको यहां पर, तो तीसरा इवेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और ये जो मूवमेंट है ये अपना फ्लेजर मूवमेंट भी होता है और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, और इस कॉन्ट्रेक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिंस वगैरह जो है आइनोसिटॉल वगैरह के साथ आता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दो तरह का मूवमेंट, ऐसा कह रहे हैं दो तरह का यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है स्पर्म में। एक तो इसका अपना फ्लेजर मूवमेंट है और यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन भी एक हेल्पफुल इवेंट होता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ पार्ट है, तो ये जानते हैं आप कि जब जैसे सपोज करो ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है मान लो अगर ऐसे, और यहां पर ये सपोज कीजिए ये फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर से बनाया हमने,
कई सारे स्पर्म फाइनली जब यूट्रस के यूट्राइन ट्यूब होता हुआ, मतलब यूट्रस के कैविटी से होता हुआ, यूट्राइन ट्यूब याद रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं, तो यूट्राइन कैविटी से होता हुआ जब ये स्पर्म कहां पहुंचा, आपको पता है कि ये जो साइट होता है उसको कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, और यहीं पर आपको पता है कि जो सेकेंडरी साइट का स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर है यहां पे अवेलेबल है, देखो ये क्या है बताओ, इसको सेकेंडरी ओसाइट, इसी को एनसाइटी में ओवम भी लिखा गया है एक्चुअली, तो सेकेंडरी साइट या ओवम अब यहां पे आ चुका है ना, और यहां पे स्पर्म पहुंचा, और यहां पर जो स्पर्म पहुंचता है, देखो याद रखना कि लगभग 100 to 200 अगर पूछा जाए नंबर, कि इतने मिलियंस में आने के बाद भी केवल 100 to 200 जो स्पर्मेटोजोआ है यही पहुंच पाता है, कहां बताओ, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और ये भी याद रखिएगा कि सेकेंडरी साइट जो ओवुलेशन के बाद फेलोपियन ट्यूब में आया, उसकी लाइफ मैंने पहले भी कहा था कि इसकी लाइफ 6 to 24 hours का होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा बेटर चांसेस क्या होता है, अगर ऐसा बताया जाता है कि अगर इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन ओवुलेशन के 2 दिन पहले हो, 2 days बिफोर ओवुलेशन, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता हो, बेस्ट होता है। वैसे एनसीईआरटी में लिखा गया एक चीज कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज बेस्ट इफ द स्पर्म एंड एग रिचेज साइमल्टेनियसली एट द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, बट फॉर द इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन शुड बी अकर 2 days बिफोर ओवुलेशन। समझ में आ रहा है ये चीज। अब यहां देखिए, अब ये बताओ, जैसे जो स्पर्म यहां पर, जो एग यहां पर अवेलेबल है, उस एक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखिए, ये आपको पता है यहां पर कि मान लो ये सेकेंडरी साइट है, यहां पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी बना हुआ है, इसके ऊपर ये मान लो जोना पेल्जिडा का स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर मल्टीपल लेयर में, ऐसे आप जानते हैं क्या होता है, कोरोना और रेडियाटा का लेयर होता है, ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा कहते हैं। ये देखिए, तो ये सेकेंडरी साइट का ये पार्ट है, देखो इसमें सेकेंडरी साइट ये वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसे कहते हैं लेयर ऑफ कोरोना रेडियाटा, ये जोना पेल्जिडा का लेयर होता है, ठीक लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है ये, और इसे कहते हैं पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस कहा जाता है इसको, है ना। तो ये एक कहां अवेलेबल है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, और आप जानते हैं कि एक से ज्यादा स्पर्म, देखो अब एक से ज्यादा स्पर्म इसके कांटेक्ट में आ रहा है, देखो ऐसे चारों तरफ से स्पर्म आता है, देखो ऐसे, और अगर स्पर्म को फर्टिलाइज करना है एक को, तो उसे कई सारे बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जैसे जानते हैं, रेडियाटा को क्या बोलते हैं, रेडियाटा को कहा जाता है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बाहर का लेयर होता है, और जो जोना पेल्जिडा है इसे कहते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। इवेंट्स के एग की बात करें तो कोरोना रेडियाटा फॉलिकुलर सेल्स का ही पार्ट है एक्चुअली ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, और जो जोना पेल्जिडा का पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। अब देखो, एक बार स्पर्म जब इसके नजदीक आ चुका है, तो सबसे जो पहला पार्ट यहां पर होता है कि इस स्पर्म को अभी एक के साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ इसे
अटैच करना होता है, तभी तो पेनिट्रेशन स्टार्ट हो सकता है ना। ये कैसे हुआ? तो देखिए, यहां देखिए जो इवेंट यहां पर होता है, अगर आप मूवमेंट की बात करें और ये पहुंच गया एम्पोली सिमिलर जंक्शन के पास, तो फोर्क इवेंट यहां क्या लिखेंगे हम? देखिए, एक तरह का केमिकल ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को ही फर्टिलिजिन एंड एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन भी कहता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो स्पर्म का सरफेस होता है, यहां से एक केमिकल आता है, देखो इसके सरफेस से केमिकल आता है, उसे कहते हैं एंटी फर्टिलिजिन। क्या कहते हैं इसको? एंटी फर्टिलिजिन। और कुछ केमिकल्स यहां से आता है, इसे कहते हैं फर्टिलिजिन। तो ये फर्टिलिजिन है और ये एंटी फर्टिलिजिन है, और जब तक ये रिएक्ट नहीं करता, तब तक स्पर्म का जो हेड है या स्पर्म का जो सरफेस होता है, वो रेडियाटा के सरफेस से बाइंड नहीं कर सकता। वैसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पार्ट ये मैमल्स में या ह्यूमंस में अप्लाई नहीं कर सकते, आप जनरलाइज में बता रहा हूं आपको चीज कि ये एक केमिकल स्पेसिफिक रिएक्शन है। एक्चुअली स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन भी होता है, किसी भी दो अलग अलग स्पीसीज का अगर गैमेट्स मिला दें आप, तो आप जानते हैं वो फ्यूज नहीं करता। उसमें एक इवेंट ये भी है कि जब तक ये फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन एक स्पीसीज का केमिकल नहीं होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन से लाइक दिस कि दिस केमिकल ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन इज अ वेरी स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन। याद रखिएगा इसको, इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे स्पीसीज स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसको समझ में आ रहा है? और अगर मान लो अब बहुत सारे स्पर्म अगर रेडिएटर के सरफेस पे बाइंड कर गया, तो उसका नेक्स्ट इवेंट क्या है कि इस बैरियर को पहले ब्रेक करना है, और बैरियर को ब्रेक करने के लिए एक तो स्पर्म का अपना मैकेनिकल एक्शन है, वो फ्लैजला मूव कर रहा है, तो वो भी एक ड्रिलिंग वाला पार्ट है। देखो अगर फ्लैजलर मूवमेंट है, वो ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है, वो तो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। दूसरा कहते हैं कि स्पर्म के सर्फेस पे कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो रेडियाटा के सीमेंटिंग सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिजॉल्व करता है। वो देखिए पहले क्या है यहां पर, यहां देखिए तो देखो अब यहां पर मैं क्या बता रहा कि जो स्पर्म हेड मेम्ब्रेन होता है, इसमें एक एंजाइम है, इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और इवन कहते हैं एक और एंजाइम होता है यहां पर, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो रेडियाटा की जो सेल्स होते हैं ऐसे, ये मान लो रेडियाटा के सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं एक्चुअली ये, और इस फॉलिकुलर सेल्स के बीच में ये एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है ना,
ये जो आप सेल्स देख रहे हो यहाँ पर, ये तो कोरोना रेडियाटा सेल्स हैं, और इसके बीच का ये जो सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है इसको हाइड्रोलिक एसिड कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनिक एसिड कहते हैं इसको। तो ये जो एंजाइम है, अब देखो दो तरह का एंजाइम है, ये एंजाइम इसे क्या करेगा, डिजॉल्व करता है, और ये जो हाइड्रोनेज होता है ये इस सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है। इस हाइड्रोनिक एसिड को सीमेंटिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है, इसे बेसिकली सीमेंटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि ये जो लेयर है ये डिजॉल्व हो गया, देखो इसे ब्रेक कर दिया गया, और अब अगर ये ब्रेक हो गया देखो यहां से ऐसे, तो एक से ज्यादा स्पर्म, सपोज करो अब ये लेयर यहां से डिजॉल्व हुआ और कई तरफ से स्पर्म अब कहां पहुंच चुका है, जो ना वेलचिटा की सरफेस पे, देखिए ऐसा ये हर तरफ से आता है, देखो ऐसा। तो स्पर्म के जो मेम्ब्रेन होते हैं, हेड मेम्ब्रेन जो होते हैं, उसके एंजाइम ने क्या कर दिया, रेडियाटा के बैरियर को ब्रेक कर दिया। तो ये पहला एक पेनिट्रेशन था, और इस पेनिट्रेशन में स्पर्म का अपना जो मूवमेंट है दैट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो एंजाइमेटिक भी है और मैकेनिकल एक्शन भी कहते हैं इसको। और उसके बाद क्या हुआ देखो, अगर आप नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो ये क्या हुआ, नाउ मोर देन वन स्पर्मेटोजोआ बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ जोना पेल्चिडा। जानते हैं काफी एक थिक लेयर होता है ये, मेड अप ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स। ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, मेम्ब्रेनस लेयर है, थिक लेयर होता है, काफी मजबूत सा एक प्रोटेक्शन है एक का। और इस पे जब ये बाइंड करेगा तो देखिए वैसे जैसे मान लो ये है ये सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर है और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, और इसके ऊपर ये एक काफी थिक मेम्ब्रेन है जो ना पेल्चिडा का। अब ये याद रखिएगा कि जो ना पेल्चिडा के सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए ऐसे, और इसी रिसेप्टर्स के ऊपर जो स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है, स्पर्म का लिपिड होता है, देखो ये ऐसे अटैच कर रहा है ऐसे, तो ये जो रिसेप्टर आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं JP3 रिसेप्टर कहा जाता है इसको। ये बाइंडिंग भी काफी ज्यादा स्पेसिफिक एक इवेंट है, याद रखना कि जोना पेल्चिडा के सरफेस पे जो रिसेप्टर, चूंकि ये देखो कैपेसिटेशन के टाइम पर ऑलरेडी जो स्पर्म के हेड का रिसेप्टर था वो अनमास्क हो चुका था, है ना। तो वो जो अनमास्किंग हुआ अब वो यहां पे हेल्प कर रहा है कि जोना पेल्चिडा के सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, उसको कहा गया JP3 रिसेप्टर, है ना, और ये भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए यहां पर कि एक से ज्यादा स्पर्म
जोना कलचडा के सरफेस पे आकर बाइंड कर गया। और आपको पता है कि एक्चुअली में स्पर्म के हेड के पास अपर पार्ट में यहां पर एक्रोसोम होता है ना, यहां पे न्यूक्लियाई होता है, मेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं इसको, ये एक्रोसोम है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से ये डेवलप होता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब ये इस पे बाइंड करेगा, इस पे इसके ऊपर बाइंड करने के बाद एक प्रोसेस है, देखो तो आफ्टर बाइंडिंग वी यूज द टर्म एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि एक्रोसोमल रिएक्शन जो एक प्रोसेस है, ये एक्रोसोमल रिएक्शन तभी होगा जब जब स्पर्म का हेड किसे बाइंड करेगा, एक के जोना कचड़ा के सरफेस पे, समझ मारा। और इस एक्रोसोमल रिएक्शन के होने के बाद ये रिएक्शन है कि एक्चुअली कि एक्रोसोम में क्या क्या चेंजेज आया, देखो तो एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे मतलब इसमें कैल्शियम वगैरह का भी इन्फ्लक्स होता है और उसकी वजह से जो एक्रोसोम का पार्ट है ये एक्जोसाइटोसिस से एक इंपॉर्टेंट केमिकल को रिलीज करेगा जिसका नाम है जोना पेनिसिडा पेरिटेटिक एंजाइम, और इसी को एक्रोसिन भी कहा जाता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एक्रोसिन, ये नाम याद रखिएगा एक्रोसिन, इसी को कहते हैं जोना पेलिसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी कहा जाता है। और फाइनली जब ये यहां से पेनिट्रेट हो गया, अब देखो अगर मैं कहूं कि इस स्पर्म ने इसको पेनिट्रेट अगर कर दिया तो, और याद रखना ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं, ये जो एंजाइम बाहर निकलता है ये एक्जोसाइटोसिस से बाहर आता है, बल्क में बाहर आता है। एक्चुअली ये यहां से देखो ऐसे ये कंटेंट इसका ऐसे ऐसे मेंब्रेन इसका जर्व है, और यहां से ये केमिकल बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये इवेंट क्या हो गया, एक्जोसाइटोसिस, और इसकी वजह से ये मेंब्रेन क्या हो गया, यहां डिजॉल्व हो गया। और डिजॉल्व होने के बाद देखिए ये स्पर्म जिसने पेनिट्रेट किया, देखो पेनिट्रेशन भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा भी पेनिट्रेशन पॉसिबल है ऑल्दो, लेकिन जिस स्पर्म ने पहली बार इस मेम्ब्रेन को टच किया, उलिमा आप जानते हैं इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी साइड का मेम्ब्रेन है ये, इसी को उलिमा कहते हैं और इसी को एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि एक स्पर्म ने पेनिट्रेट कर दिया हो, दूसरा स्पर्म अभी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस स्पर्म ने पहली बार इस मेम्ब्रेन को अटैच कर लिया, इस मेम्ब्रेन को टच कर लिया एक मेम्ब्रेन को, उसके बाद दूसरे स्पर्म की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो अब एक दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉली स्पर्मी। तो देखो तो याद रखिएगा एक्रोसोमल रिएक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन इज द रिलीज ऑफ एक्रोसिन दैट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसिडा। और जब ये स्पर्म इस पेरिवाइटलाइन स्पेस में पहुंचा, तो जिस स्पर्म ने पहली बार सबसे स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेट किया उसी का चांस ज्यादा है अब एक मेम्ब्रेन को टच करने का, उस समय यहां पर एक केमिकल भी आता है, देखो स्पर्म के सरफेस पे, उस केमिकल को फर्टिलीन कहते हैं, और ये फर्टिलीन भी स्पर्म को हेल्प करेगा इस मेम्ब्रेन से बाइंड करने के लिए। याद रखना ये फर्टिलीन है, ये फर्टिलीन नहीं है, फर्टिलीन नहीं है ना। अब आप ये बताइए
कि जब ये स्पर्म यहां से बाइंड किया, अब उसके बाद क्या होगा? देखो यहां पर, देखो याद रखिएगा, बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ टू द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजल्ट्स इन, तो याद रखिएगा यहां पर एक इवेंट क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, जो दो तरह से होता है, एक फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कहते हैं और एक स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी को ही कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये पॉलीस्पर्मी का इवेंट क्या है, देखिए पहले आप, तो जैसे जिस स्पर्म ने पहली बार इसे अटैच कर दिया, देखो जैसे सपोज करो ये एक मेम्ब्रेन है यहां पर, ऐसा ये सेकेंडरी साइड का मेम्ब्रेन है और इसके सरफेस पे अब ये स्पर्म क्या हो गया, बाइंड कर गया, यहां पे बाइंड कर गया। तो इसके बाइंड करते ही क्या होता है, ये मेम्ब्रेन जो होता है ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर जाता है। याद रखिए कि इसके साथ अटैचमेंट होते ही जो ओसाइट के अंदर का जो कैल्शियम फ्लक्स है वो इंक्रीज कर जाएगा। कैल्शियम फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो गया, दिस मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज्ड, मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज्ड, और डीपोलराइज होने के बाद ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल रिपल्सन प्रोवाइड करता है। बाकी अगर कोई स्पर्म अटैच करना चाहता भी है, मान लो एक स्पर्म जो पहले रहा से बाइंड कर गया और एक स्पर्म अभी सपोज करो इसको पेनिट्रेट करके यहां पर पहुंच चुका है, लेकिन वो अब इससे बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल रिपल्सन है, एंड दिस इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। और ये मेनली कहते हैं जो इंट्रा सेलुलर फ्लक्स है ओसाइट का, उसमें कैल्शियम वगैरह का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो ये फास्ट ब्लॉक है जो इलेक्ट्रिकल रिपल्सन कहते हैं इसको। तो फास्ट ब्लॉक इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपल्सन कहा जाता है। और दूसरा देखो, ये मैंने बताया था कि अब अगर मान लो ये बाहर की तरफ ये लेयर किसका है, जूना कैल्चिका का, देखिए कुछ कॉर्टिकल या कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं जो सेकेंडरी साइड के अंदर होता है, इसमें इंजाइम्स वगैरह भी होते हैं एक्चुअली इस ग्रेन्यूल्स के अंदर। ये जो ग्रेन्यूल्स देख पा रहे हो आप, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कंप्लीट होते ही अब ये स्लो ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या करेगा, ये जो आप अब ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं ये अब यहां से बाहर डिफ्यूज करता है और ये जोना कल्चिडा के नीचे जाकर एक्यूमुलेट कर गया, देखो ऐसे, और इसने जोना कल्चिडा को और ज्यादा थिक बना दिया। तो ये जो थिकनिंग बढ़ गया किसके बताओ, जोना कल्चिडा का, बिकॉज ऑफ डॉट दैट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसी को कहते हैं, अभी जो मोटा हो गया जोना कल्चिडा, इसी को कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और अगर अब मान लो कोई स्पर्म अभी वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर भी रहा है, तो ये लेयर इतना ज्यादा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, कि दूसरे स्पर्म की अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कल्चिडा को पेनिट्रेट कर सके। मतलब जिसने पेनिट्रेट कर दिया उसके लिए रिपल्सन फोर्स है वहां पर, और जो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है जोना कल्चिडा को, वो भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट थिक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये कैसे बना, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के बाहर आने की वजह से होता है। और बता दूं,
इस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो इस रिसेप्टर्स को क्या करेगा, अब डीएक्टिवेट कर देता है। तो अगर ये रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो जाए तो स्पर्म की बाइंडिंग का चांस भी खत्म हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन कहा जाता है इसको। याद रखिएगा मैं बताया आपको क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो फास्ट ब्लॉक हो गया, स्लो ब्लॉक हो गया, ये प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी है। और दूसरा देखो क्या कहते हैं आप, स्टार्ट ऑफ, या इसको कह सकते हैं आप जो मियोसिस टू अभी तक रुका हुआ था, आपको पता है ये चीज, रिएम्पशन कह सकते हैं आप, रिएम्पशन ऑफ मियोसिस टू, दैट वॉज अर्लियर ब्लॉक्ड इन मेटाफेज टू। अब याद करो मैंने बताया था आपको कि ओवुलेशन के समय ही, इवन टर्सरी फॉलिकल में ही, मियोसिस फर्स्ट जहां कंप्लीट हो गया तो मियोसिस टू वहीं स्टार्ट हो जाता है, और मियोसिस टू स्टार्ट होने के बाद वो रुका रहता है मेटाफेज टू में जाकर। अब मेटाफेज टू के आगे जो एनाफेज का आएगा, एनाफेज टू वगैरह आता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये इवेंट हो जाएगा, मतलब जब स्पर्म का जो हेड है वो किससे बाइंड कर गया, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, दैट ट्रिगर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू विच वॉज अर्लियर स्टॉप्ड एट मेटाफेज टू। और ये आप याद रखना, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस टू में दो टर्म याद रखिएगा, एक लिखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एमपीएफ एंड टर्न ऑन ऑफ एटीसी। ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एंड टर्न ऑन ऑफ क्या, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी की वजह से मियोसिस टू क्या होगा, कंप्लीट होगा। और मियोसिस टू कंप्लीट होने के बाद आप जानते हैं कि वो ओटिट में कन्वर्ट होता है, और जो फर्टिलाइज्ड, जब ओवम, एक्चुअली ओवम एक कह सकते हो आप, जब स्पर्म का जो प्रोन्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा, उस कंडीशंस को फिर हम ओवम के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले आप जानते हैं ओटिट बन चुका होता है ना? और तो अब ये देखो, जब मियोसिस टू भी कंप्लीट हो गया या कंप्लीशन स्टार्ट हो चुका है मियोसिस टू का, वो मेटाफेज टू के आगे जा चुका होता है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी भी हो गया, उसके बाद का आप इवेंट याद रखिएगा कि इसके बाद का जो इवेंट है वो क्या है, वो लिखते हैं एंट्री ऑफ कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म। एक्चुअली आप कह सकते हैं ये ओटिड वाला कंडीशन होता है जिसमें मियोसिस टू कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप यहां पे देखिए सर, मान लो ये अब सेकेंडरी साइट के अंदर, अब तो ये ओटिट का ये फॉर्म है, मान लो मियोसिस टू पूरा हो चुका है इसमें। और आप ये अगर ये सपोज करो ये फीमेल प्रो निक्लियाई है, और अब देखो यहां पर ये सेकेंडरी पोलर बॉडी भी अपीयर हो चुका है यहां पर, क्योंकि मियोसिस टू कंप्लीट हो चुका है यहां पर। और उसके बाद अगर ये सपोज किया जाए ये लेयर ऑफ जोना पेलिसिडा है जो अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है, और एक स्पर्म फाइनली इसका पूरा पार्ट एंटर कर चुका है, अगर मान लो ये पूरा स्पर्म
इसमें अब एंटर कर चुका है। तो एक्चुअली में अब जो मेल प्रोन्यूक्लियाई होता है ये इसके अंदर क्या है, इसे कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियाई। और आपको पता है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स का ये पार्ट होता है सर। अब अगला स्टेप क्या है, देखो यहां पर ऐसा जो न्यूक्लियर, अब एक तो पहली बात ये यहां से इसका पार्ट बाहर निकल के आएगा। याद रखिएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और मेल प्रोन्यूक्लियाई का जो पार्ट है यही पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन के पार्ट में, बाकी चीजें डिजेनरेट कर जाती हैं ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट है ना, उसमें कोई फ्लेजर पार्ट। स्पर्म का केवल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और उसका जो क्रोमोसोम का पार्ट है हैप्लॉइड जो उसका क्रोमोसोम का पार्ट होता है वही पार्टिसिपेट करता है इस इवेंट में। तो आप जानते हैं इसमें ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुआ और जो मेल प्रोन्यूक्लियाई होता है इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं ये भी डिसॉल्व हो जाता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और फाइनली जो आप कह सकते हैं ऐसे कि जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है, मेल प्रोन्यूक्लियाई प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियाई ये फ्यूज कर गया है ना, और एट दैट टाइम आप कह सकते हैं ये एक तरह का फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसी को ओवम कहा जाता है। एक्चुअली ये ओवम का कंडीशन देखो, अभी अब ये फर्टिलाइज्ड एग हो चुका है, मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मिल चुका होता है ना? और अभी भी आप देखिए इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्गली ये लेयर बना हुआ है इसका जो ना फैल चुका था, ये अभी भी प्रेजेंट है देखते हैं लेयर ऑफ जोना फेलिसिडा। तो जब ये मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएगा, आप जानते हैं ये प्रोन्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, ये भी हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो इसके अंदर है वो तो एक का ही होता है, मेल का कंट्रीब्यूशन केवल क्रोमोसोम का है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का होता है। याद रखना कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जरूरी है जायगोट को क्लीव करने के लिए, उसके डिवीजन के लिए। तो अल्टीमेटली देखिए ऐसा, और इसी इवेंट को देखिए मेल और मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का जो ये फ्यूजन हुआ इसी को कहते हैं एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। अब सेकेंडरी पोलर बॉडी वगैरह का कोई ऐसा एक्सीडेंट कोई इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है, है ना, तो ये डिजेनरेट कर जाते हैं, ये जायगोट रह गया देखो यहां पर। तो यहां देखिए आप जानते हैं ये एन न्यूक्लियाई होता है, ये एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है यहां पर, लेकिन ये अब ये 2N हो गया, ये जायगोट है। देखो क्या बोलते हैं इसको, ये जायगोट है और इसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग लेयर अभी भी पड़ा हुआ इसका जोना। तो ये एन एन जब ये 2N हो गया इसके न्यूक्लियाई को अब क्या बोलते हैं, देखो इसे कहते हैं सेगमेंटल न्यूक्लियाई। और ये एग साइटोप्लाज्म है। तो फाइनली जो जायगोट बना उस जायगोट में एग साइटोप्लाज्म भी होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, देखो सेगमेंटल न्यूक्लियाई क्या होता है, 2N होता है, और बाहर क्या है अ थिक लेयर ऑफ जोना थैलेसिडा। तो ये जो पूरा लास्ट पार्ट हुआ इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसी को एम्फी मिक्सिस कहा जाता है। क्लियर, एंड एम्फी मिक्सिस रिजल्ट्स इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई टू मेक अ डिप्लॉइड जायगोट। ठीक है, तो ये था इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर अब यहां पर मैं बताऊं आपको कि समरी क्या हुआ, अगर पूछा जाए कि इस पूरे फर्टिलाइजेशन के इवेंट का समरी क्या है, तो इसे आप समराइज कर सकते हैं ऐसे, देखिए जो पहला टास्क था वो क्या हुआ, वो था इनसेमिनेशन। दूसरा टास्क क्या हुआ, इसे कहते हैं कैपेसिटेशन।
जो स्पर्म को तैयार करता है एक को फर्टिलाइज करने के लिए, है ना, स्पर्म का जो बायोकेमिकल और फंक्शनल चेंज है उसे कहते हैं कैपेसिटेशन, जो जरूरी होता है एक को फर्टिलाइज करने के लिए। जो तीसरा इवेंट मैंने बताया आपको वो था केमिकल ए ल्यूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसी को फर्टिलिटीन एंटी फर्टिलिटी रिएक्शन भी कहा जाता है। जो फोर्थ इवेंट था वो था पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडियाटा। जो फिफ्थ इवेंट था वो था एक्रोसोमल रिएक्शन, और ये स्पर्म का जब बाइंडिंग होता है जूना पेलिसिडा से उसके बाद होता है, और उसके बाद आप लिखते हैं पेनिट्रेशन ऑफ जूना पेलिसिडा, है ना। सेवेंथ इवेंट क्या हुआ, सेवेंथ इवेंट था अटैचमेंट ऑफ अ सिंगल स्पर्म स्पर्मेटोजोआ विद द सरफेस ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो अटैचमेंट है सिंगल स्पर्मेटोजोआ विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। जो एट इवेंट है वो क्या था बताओ, वो था प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। जो फास्ट ब्लॉक होता है और स्लो ब्लॉक कहते हैं, पहले फास्ट ब्लॉक है फिर स्लो ब्लॉक होता है, फास्ट ब्लॉक पहले होता है। तो एक्चुअली यहां पर आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी है, यहां देखो ऐसा, तो एट इवेंट क्या लिखा हमने, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। जो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है, ये पहले होता है ये बाद में होता है, इसी को पार्टिकल रिएक्शन कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है। जो नाइन्थ इवेंट है वो मतलब आप एट्थ में दो तरह का ये पार्ट हो गया, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू, जब स्पर्म एक के मेम्ब्रेन को सेकेंडरी साइड के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ जब एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ऑलमोस्ट एंटर कर चुका होता है तो मियोसिस टू भी कंप्लीट हो जाता है ना, और ओटिड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर कहते हैं जो टेंथ इवेंट है वो है एम्फीमिक्सिस। इसमें कहते हैं मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, जो हैप्लॉइड मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई वो क्या कर गया, फ्यूज कर गया और वो डिप्लॉयड जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आपका इवेंट ऑफ क्या, फर्टिलाइजेशन। तो ये 10 एक स्टेप है इसके अंदर, जिसको मैंने डिटेल से बताया आपको कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, और हर अलग अलग तरह के एनिमल्स में ये अलग अलग तरह का मैकेनिज्म है। बेसिक प्रोसेस अब जैसे अगर आप बात करेंगे कहीं पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का इवेंट कुछ और होगा, क्योंकि वहां का मेम्ब्रेन कुछ अलग होता है ना। ये जो इवेंट है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बता रहा हूं आपको, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में इवेंट तो यही होता है, लेकिन उसके अलग अलग स्पेसिफिक प्रोसेस हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स अलग होते हैं, है ना, केमिकल्स का जो एग्लूटेशन पार्ट है वो भी अलग होता है, तो वो अलग करेगा। बट बेसिक इवेंट तो जहां भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो इसी तरह से होता है, ठीक है। So that's all about the event of fertilization. अब मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा, अगले लेक्चर में,
कि जायगोट के बनने के बाद अब उसका इवेंट क्या है, जायगोट से फर्दर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू।